नमस्कार, मैं हूं सकीना और आप देख रहे हैं नवोदय प्लस टाइम्स। आइए डालते हैं आज की इस खास खबर पर एक नजर। बीते रोज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर झांसी के ओरछा रोड पर स्थित एक गार्डन में अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार एसोसिएशन के तत्वावधान में महिलाओं का सम्मान किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार एसोसिएशन के चेयरमैन SS तोमर मौजूद रहे, तो वहीं विशिष्ट अतिथि के रूप में झांसी महापौर रामतीर्थ सिंगल मौजूद रहे। सम्मानित अतिथियों में कार्यवाहक प्रदेश अध्यक्ष शकील अहमद खान, मंडल अध्यक्ष राहुल कुशवाहा, डॉक्टर मनु चौहान, न्यायमूर्ति ज्योत्सना त्रिवेदी, श्रीमती पम्मी सिंह आदि मौजूद थे। कार्यक्रम के दौरान अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार एसोसिएशन में शामिल नए सदस्यों को शपथ दिलाई गई तथा पहचान पत्र वितरित किए गए। इस अवसर पर कार्यक्रम में सम्मिलित सभी महिलाओं को पुष्पगुच्छ भेंट कर तथा स्मृति चिन्ह देकर एसोसिएशन द्वारा सम्मानित किया गया। इस अवसर पर महिला मंडल अध्यक्ष ममता साहू, युवा मंडल अध्यक्ष संतोष साहू, महिला जिला अध्यक्ष नीतू वर्मा, मंडल उपाध्यक्ष शशि प्रभा सोनी, महिला जिला अध्यक्ष निवाड़ी प्रतिमा साहू, महिला नगर अध्यक्ष सुमन गौतम, नगर अध्यक्ष बबीना, अध्यक्ष आरा मशीन मुकेश वर्मा, आशीष जैन, महिला ब्लॉक अध्यक्ष शिखा साहू, हुकुम सिंह प्रजापति, सराज खान, हृदय सिंह यादव, हरिमोहन नामदेव, गौरव शुक्ला, मुकीम खान, विनोद कुमार गौतम, रईस खान और एसोसिएशन के जिला मीडिया प्रभारी नासिर हुसैन आदि का फूल मालाएं पहनाकर सम्मान किया गया। साथ ही साथ कार्यक्रम में शामिल पत्रकारों का भी सम्मान किया गया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए एसोसिएशन के चेयरमैन SS तोमर ने बताया कि समस्त एसोसिएशन महिलाओं के सम्मान के लिए वचनबद्ध है एवं महिलाओं के अधिकारों और सम्मान व सुरक्षा के लिए हमेशा कार्य करता रहेगा। विशिष्ट अतिथि डॉक्टर मनोज चौहान ने महिलाओं को संबोधित करते हुए बताया कि आज के युग में महिलाएं प्रत्येक क्षेत्र में आगे आ रही हैं और आत्मनिर्भर बन रही हैं। कार्यक्रम के आयोजक जिला अध्यक्ष एडवोकेट उमेश प्रजापति ने एसोसिएशन से जुड़ने एवं विपत्ति में हर तरह की मदद के लिए हेल्पलाइन नंबर जारी किए। कार्यक्रम में कुमारी हर्षिता प्रजापति द्वारा झांसी की रानी का स्वरूप धारण कर अंग्रेजों को ललकार की प्रस्तुति कार्यक्रम पेश किया गया। कुमारी चंचल साहू ने वीर रस से सराबोर एक कविता प्रस्तुत की। इस दौरान ITI टॉपर कुमारी काजल प्रजापति को प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में साहू ममता लश्करी, महिला मंडल अध्यक्ष सुमन गौतम, महिला नगर अध्यक्ष रजनी प्रजापति, रजनी गौतम, पूजा देवाकर, प्रियंका वर्मा, संतोष साहू, आशीष जैन, विनोद गौतम, अरविंद गुप्ता, रानी जोशी, सुलेखा प्रजापति, मुकेश श्रीवास, हृदय यादव, पुष्पेंद्र राय, गोपाल नारायण द्विवेदी एडवोकेट, सूर्य प्रकाश राय एडवोकेट, सुमन रायकवार एडवोकेट, महेंद्र प्रजापति, मयंक राय, हरिमोहन नामदेव, सराज सैफी, गौरव शुक्ला, हरदयाल कुशवाहा, सरोज साहू, रेखा साहू, प्रतिभा साहू, प्रीति कुशवाहा, राकेश कुमार सिंह समेत इंदौर की टीम रितु राणा, मोनिका शुक्ला, सुषमा और नेहा आदि मौजूद थे। कार्यक्रम का संचालन एडवोकेट लखनलाल और सुनील वर्मा द्वारा संयुक्त रूप से किया गया। अंत में सभी का आभार आयोजक जिला अध्यक्ष एडवोकेट उमेश प्रजापति ने व्यक्त किया। नवोदय प्लस टाइम्स के लिए झांसी से नासिर हुसैन की रिपोर्ट। मानव अधिकार का कार्यक्रम है, आप उपस्थित झांसी हुए हैं, इसके बारे में क्या कहेंगे? महारानी लक्ष्मीबाई की धरती है, महारानी लक्ष्मीबाई ने मानवाधिकार के लिए ही मैं अपनी झांसी किसी को नहीं लेने दूंगी, इसी नारे के साथ वो युद्ध भूमि में उतर गई थी। और सच्चा उनका कार्य जो है वो मानवाधिकार का कार्य था जी। हमारी राष्ट्रीय महिला प्रमुख जो है उन्होंने यहाँ का दौरा किया था और तभी ये डिसाइड हो गया था कि 8 मार्च को हम सब लोगों को झांसी आना है। झांसी के मेयर साहब भी हम लोगों के साथ हैं और हम लोग जो है चाहते हैं कि झांसी में कोई मानवाधिकार हनन ना हो, उस पर मीडिया जो लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है उसको भी अपनी भूमिका निभानी है और हम सब लोग मिलजुल के झांसी में कोई भी मानवाधिकार हनन ना होने दें, ऑनर किलिंग ना होने दें, कस्टोडियन डेथ ना होने दें, इलीगल डिटेंशन ना होने दें। मैडम, आज दो कार्यक्रम है, एक महिला दिवस और एक मानव। जी नहीं, एक ही कार्यक्रम है और ये हमारा जो अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार एसोसिएशन है, प्रतिवर्ष महिला दिवस
कार्यक्रम का आयोजन करता है, और चूँकि हम पूरे देश में कार्यक्रम करते हैं तो राष्ट्रीय कार्यकारिणी किसी एक ही जगह पहुंच पाती है, और ये सौभाग्य हमको यहाँ झांसी में मिला है, और वो भी महारानी लक्ष्मीबाई की धरती पे। मैं महिलाओं को क्या संदेश देना चाहते हैं? महिलाओं को संदेश ये देते देना चाहेंगे आप लोगों के माध्यम से कि आप अपनी आवाज़ खुद बनिए। कभी आप एक्सपेक्ट मत करिए कि हमारे लिए कोई दूसरा लड़ेगा। आप अपने लिए अपने आप में काफ़ी हैं, बस आपको अवेयर होने की ज़रूरत है। अगर आप अपनी आवाज़ खुद उठा लेती हैं तो आपका कोई शोषण नहीं कर पाएगा। मानवाधिकार का सब बड़ा कार्यक्रम देखने को मिला है, इस कार्यक्रम के बारे में क्या कहेंगे सर? देखिए, किसी भी फील्ड में अधिकारों के संदर्भ में तो चर्चा होती ही रहनी चाहिए, और मानव अधिकार एसोसिएशन के द्वारा ये कार्यक्रम आयोजित किया गया। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के उपलक्ष में ये कार्यक्रम आयोजित किया गया, और मुझे यहाँ बहुत अच्छे अच्छे विचार सुनने को मिले। हम सब ने जो विचारों का आदान प्रदान किया संगोष्ठी के माध्यम से, उसमें से एक बात निकल के आई है कि हम अपने अधिकारों के प्रति जितने सचेत हैं उतने ही सचेत हम लोग अपने कर्तव्यों के भी प्रति रहें तो शायद हम लोग ज़्यादा बेहतर प्रदर्शन कर पाएंगे, ज़्यादा बेहतर देश को और समाज को दे पाएंगे। तो आज के जो कार्यक्रम है उसका ये निचोड़ है और उसका ये प्रतिफल है, उसका ये संकल्प है कि हम अधिकारों के साथ साथ अपने कर्तव्यों का भी पालन करते हुए देश और समाज की सेवा करेंगे। हम अमन मानव समाज सेवी संस्था की राष्ट्रीय अध्यक्ष है रिजवाना गौरी, और अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हैं। और बहुत अच्छा लगा कि अपने मानव अधिकार के एसोसिएशन के जो भी हैं सभी कार्यकर्ता सभी समाज सेवी बहुत अच्छे से कार्य कर रहे हैं, और बहुत खुशी हुई है कि हमारी झांसी में सबसे ज़्यादा अगर देखा जाए समाज सेवा और मदद के तौर पर सबसे आगे काम कर रही है। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ताज़ा खबर के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए।